Hi everyone, this is Kirti Tiwari and in this video we are going to discuss practice paper 15 for TZT English. So guys, if you are preparing for TZT, PZT and visiting first time this channel, so please subscribe it so that we stay connected and now discuss practice paper 15. So यहाँ पर practice paper 15 का पहला question है आप लोगों से, which play has the highest percentage of rhyming lines of all of Shakespeare's plays? यानी शेक्सपियर के कौन से प्ले में सबसे ज़्यादा राइमिंग लाइंस हैं. सो यहाँ पर ऑप्शंस हैं एंटनी एंड क्लोपैट्रा, द टेम्पेस्ट, अ मिडसमर नाइट ड्रीम, लव लेबर लॉस्ट. सो आंसर इज डी, लव लेबर लॉस्ट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ राइमिंग लाइंस ऑफ ऑल ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, हु हैज़ डिवाइडेड शेक्सपियर्स लिटरेरी करियर इन फॉलोइंग फोर पीरियड्स. यानी शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को किसने फोर पीरियड्स में डिवाइड किया है. जो फोर पीरियड्स हैं वो हैं अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अ पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन एंड लास्ट है अ पीरियड ऑफ रिस्टोर सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टोर. ठीक है, तो किस राइटर ने विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी कैरियर को इन फोर पार्ट में डिवाइड किया है आपको बताना है. ठीक है, सो ऑप्शंस हैं यहाँ पर ई अल्बर्ट, डब्ल्यू जे लॉन्ग, माइकल डेप्सन या फिर डेविड डचेस. सो आंसर इज बी, डब्ल्यू जे लॉन्ग ने विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी कैरियर को इन फोर पार्ट में डिवाइड किया है. ठीक है, अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, रैपिड ग्रोथ, ग्लूम एंड डिप्रेशन और लास्ट है रिस्टोर सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द इनकरेक्ट मैच ऑफ शेक्सपियर्स वेरियस फोलियो एडिशंस एंड देयर ईयर्स. ठीक है, इनकरेक्ट मैच आपको फाइंड आउट करना है विलियम शेक्सपियर के फोलियोज का. सो यहाँ पर ऑप्शंस हैं The first folio 1623, the second folio 1632, the third folio 1663, the fourth folio 1687. ठीक है, सो विलियम शेक्सपियर के जो फोलियो एडिशन है वो उनके फोर ईयर्स में आए थे. जो उनका सबसे पहला वाला था वो आया था 1623 में, सेकेंड आया था 1632 में, थर्ड आया था 1663 में और उनका जो फोर्थ है वो आया था 1685 में. सो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट जो मैच है वो ये दे रखा है 1687 दे रखा है यहाँ पे, जबकि उनका जो फोर्थ वाला एडिशन है वो आया था 1685 में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिड नॉट अपीयर इन एनी फोलियो एडिशन. यानी विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्ले उनके किसी भी फोलियो एडिशन में अपीयर नहीं हुआ. सो यहाँ पर ऑप्शंस हैं द टू नोबल किंग्समैन, पेरिकल्स, द ट्रेजेडी ऑफ कोरियोलेनस या फिर द ट्रेजेडी ऑफ सेमिलिन. सो राइट आंसर इज ए, द टू नोबल किंग्समैन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, हाउ मैनी प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर पब्लिश्ड बिफोर हिज डेथ इन 1616. ठीक है, विलियम शेक्सपियर के डेथ से पहले उनके कितने प्लेज पब्लिश हो चुके थे आपको ये बताना है. सो यहाँ पर ऑप्शंस हैं ओनली 16, ओनली 18, ओनली 20 या फिर ओनली 22. सो राइट आंसर इज बी, ओनली 18. 18 प्ले उनके विलियम शेक्सपियर के उनकी डेथ से पहले क्वार्टो फॉर्म में पब्लिश हो चुके थे. ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सिक्स, जॉन फ्लेचर को ऑथर्ड एंड कंप्लीटेड शेक्सपियर्स द टू नोबल किंग्समैन, दिस प्ले वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन. ठीक है, जो जॉन फ्लेचर हैं को ऑथर हैं विलियम शेक्सपियर के, जिन्होंने टू नोबल किंग्समैन को कम्प्लीट किया था, तो ये पब्लिश कब हुआ था ये बताना है आपको. ये वाला जो प्ले है उनका 1630 में, 1632 में या फिर 1633 या फिर 1634. सो आंसर इज डी, 1634 में ये प्ले उनका पब्लिश हुआ था टू नोबल किंग्समैन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, द फॉलोइंग लाइंस आर टेकन फ्रॉम. ये जो लाइंस हैं ये कहाँ से ली गई हैं. व्हाट इज़ इन ए नेम, नाम में क्या रखा है. दैट विच वी कॉल ए रोज, जिसे हम रोज़ कहते हैं, बाई एनी अदर वर्ड वुड स्मेल एज स्वीट. अगर हम उसे कुछ और भी कह देंगे तब भी वो वैसी स्मेल देगा जैसी देता है.
तो कहने का मतलब ये है यहाँ विलियम शेक्सपियर का कि इंसान की सही पहचान उसके गुणों से होती है, ना कि उसके नाम से। यानी कि जो गुलाब है उसे गुलाब ना कहकर अगर हम कमल कह देंगे, मतलब कुछ और कहेंगे, तो भी वो रोज़ जैसी ही स्मेल उसकी मतलब वही रहेगी, वो चेंज होने वाली नहीं है। नाम डजेंट मैटर। तो ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है आपको बताना है। द टू नोबल किंग्समैन रोमियो एंड जूलियट, द ट्रेजेडी ऑफ कोरियोलैनस, या फिर द ट्रेजेडी ऑफ सिम्बलिन। सो आंसर इज़ बी, रोमियो एंड जूलियट से ये लाइन ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। इन विच प्ले शेक्सपियर कॉइन द फ्रेज द बीस्ट विद टू बैक मीनिंग इंटरकोर्स। ठीक है, ये कौन से प्ले में विलियम शेक्सपियर ने ये फ्रेज जो है कॉइन किया है, द बीस्ट विद टू बैक्स, जिसका मतलब है इंटरकोर्स करना। तो ये आंसर यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, फोर ऑप्शंस हैं, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर या फिर हैमलेट। सो आंसर इज़ बी, ओथेलो में उन्होंने ये फेज कॉइन किया था। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज हैज़ बीन क्रेडिटेड टू शेक्सपियर एंड विच वॉज परफॉर्म्ड इन हिज लाइफ बट हैज़ बीन कम्प्लीटली लॉस्ट टू टाइम। टूडे वी हैव नो रिटन रिकॉर्ड ऑफ इट स्टोरी वॉटसो एवर। ठीक है, तो यहाँ पर फोर ऑप्शन है, कार्डेनियो, लव स्लीवर वेस्टेड, कॉर्डेलिया, किंग्स लियर डॉटर। सो आंसर इज ए, कार्डेनियो, क्योंकि लव लेबर वेस्टेड तो नाम ही नहीं है उनके प्ले का, और कॉर्डेलिया तो किंग लियर की बड़ी छोटी बेटी का नाम है, किंग लियर्स डॉटर ये भी कोई प्ले नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। विच सोनेट ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की कौन सी सोनेट कंटेन ए फेयरवेल टू माई लवली बॉय, अ फ्रेज टेकन टू इम्प्लाय पॉसिबल होमोसेक्सुअलिटी बाई सम पोस्ट मॉडर्न शेक्सपियरन एकेडमिक्स। सो ये कौन सी सोनेट है आपको बताना है। सोनेट नंबर 112, सोनेट नंबर 126, सोनेट नंबर 129, सोनेट नंबर 132। सो आंसर इज बी, सोनेट नंबर 126। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। डिनोमेन इज रिलेटेड टू, ये जो डिनोमेंट है इसका संबंध किससे है, एन ऐसे मतलब निबंध से है, प्ले से है, या फिर लिरिक से है, या एलर्जी से है। सो आंसर इज बी, डिनोमेंट इज रिलेटेड टू अ प्ले, बेसिकली एंडिंग ऑफ ए प्ले इज कॉल्ड डिनोमेंट। सो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। एंड एक्लॉक इज, एक्लॉक है ए लॉन्ग पोइम, एक लंबी कविता होती है, ए शॉर्ट पोइम, अ पेस्टरल, या फिर ए शॉर्ट डायलॉग। सो ये एक पेस्टरल पोइम होती है। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट है यहाँ क्वेश्चन नंबर 13। अ सडन एंड रिड्यूकुलस डिसेंट फ्रॉम द एक्सल्टेड टू द कॉमन प्लेस एंड ऑर्डिनरी, स्पेशली व्हेन अ राइटर स्ट्राइविंग फॉर द नोबल और पैथेटिक अचीव द ल्यूडिक्रस इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड बाय द टर्म। सो ऑप्शंस हैं द कॉमिक रिलीफ, बैथोस, मेलोड्रामा, या फिर पैराडॉक्स। सो आंसर इज बी, बैथोस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कैथारसिस। यानी कैथारसिस क्या होता है। सो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, कैथारसिस इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी, कैथारसिस इज रिलेटेड टू कॉमेडी, इज रिलेटेड टू सोनेटिंग, या फिर रिलेटेड टू फार्स। सो आंसर इज ए, कैथारसिस इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी, ये ट्रेजेडी से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कोरस। कोरस क्या है, इज ए ब्रांड ऑफ राइटिंग इंक, इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर इन ड्रामा, इज अ ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस, इज अ ग्रुप ऑफ डीजे डांसर्स। सो आंसर इज बी, जो कोरस है एक ग्रुप होता है सिंगर्स का ड्रामा के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, कॉमिक रिलीफ इम्प्लीज, कॉमिक रिलीफ, कॉमिक रिलीफ क्या होता है, ये एक शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड होता है ट्रेजेडी के अंदर। सो आंसर इज सी, अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग अ ट्रेजेडी। ठीक है, सी हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। द फॉलोइंग लाइन्स अपियर्ड इन, ये लाइन्स हैं ये किस में अपियर होती हैं ये आपको बताना है। आई ड्रीम लास्ट नाइट दैट शेक्सपियर्स घोस्ट सेट फॉर ए सिविल सर्विस पोस्ट, द इंग्लिश पेपर फॉर दैट ईयर हैड सेवरल क्वेश्चन ऑन किंग लियर, विच शेक्सपियर आंसर्ड वेरी बैडली बिकॉज ही हैड नॉट रीड हिज ब्रेडली। सो ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं ये बताना है आपको। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस हैं फोर, गाइज बोस पोएम लेज ऑफ लर्निंग, एसी ब्रेडली पोएम द शेक्सपियर, या फिर एसी ब्रेडली का जो प्रीफेस है टू ऑक्सफोर्ड लेक्चर ऑन पोएट्री 1909,
एसी ब्रेडली इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी. सो आंसर इज ए, जो गाय वॉज पोएम है उनकी ले ऑफ लर्निंग से ये लाइन्स ली गई हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज गिवन बाई एरिस्टोटल दैट सिग्निफाइज परगेशन और प्यूरिफिकेशन. ठीक है, जो एरिस्टोटल हैं उन्होंने टर्म दिया है परगेशन और या फिर उसको प्यूरिफिकेशन हम बोल सकते हैं, उसके लिए एक टर्म दिया है उन्होंने अपनी बुक में, उसको क्या कहते हैं, कैथारसिस, हेमरेशिया, ट्रेजिक फ्लो या फिर कैटास्ट्रोफी. सो आंसर इज ए, कैथारसिस. नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, द फिगर ऑफ स्पीच इन. फिगर ऑफ स्पीच बतानी है आपको किस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है. द होली टाइम इज क्वाइट एज ए नन, यहाँ पर होली टाइम की तुलना नन के साथ की गई है. ठीक है, तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है सिमली. ऑप्शंस हैं यहाँ पर मेटाफर, हाइपरबोली, पर्सोनिफिकेशन, सिमली. सो डी आपका आंसर हो जाएगा, सिमली. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, द फिगर ऑफ स्पीच इज. इस लाइन में आपको बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन या फिर ऑक्सीमोरन. सो आंसर इज सी, पर्सोनिफिकेशन. ठीक है, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है. नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, द फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी एस्क्राइब इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टू इनएनिमेट थिंग्स इज नोन एज, यानी कि वो फिगर ऑफ स्पीच जिसमें इनएनिमेट चीज़ों की, यानी वो फिगर ऑफ स्पीच जिसमें इनएनिमेट चीज़ों की इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी को बताया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन या फिर नन ऑफ दीज. सो आंसर इज बी. ठीक है, पर्सोनिफिकेशन, यानी कि जो निर्जीव चीज़ें हैं उनकी पर्सनैलिटी को और उनकी इंटेलिजेंस को जब डिस्क्राइब किया जाता है तो वह पर्सोनिफिकेशन हो जाता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइंस, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इन लाइंस में यूज़ हुआ है. ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ जूलियस सीजर, दाउ आर माइटी येट. सो यहाँ पर यूज हुआ है एपोस्ट्रोफी. ठीक है, सो आंसर इज सी, एपोस्ट्रोफी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइंस, यहाँ भी आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है कि कौन सा यूज हुआ है इन लाइंस के अंदर. ठीक है, सो लाइंस है यहाँ पर, इवन दस लास्ट नाइट एंड नाउ माइट मोर आई ले एंड कुड विन दी स्लीप बाई एंड स्टील. ठीक है, सो यहाँ ऑप्शंस हैं हाइपरबली, ऑनोमेटोपोइया, एपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरन, कौन सा हुआ है यहाँ पर यूज़ ये बताना है. तो यहाँ एपोस्ट्रोफी यूज़ हुआ है. ठीक है, सो आंसर इज सी, या स्लीप को एड्रेस करा जा रहा है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, हेनरी रियो द स्ली थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्प्टन वॉज शेक्सपियर्स. ठीक है, जो हेनरी रियो द स्ली हैं थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्प्टन वो शेक्सपियर के कौन थे, तो वो उनके पैट्रोन थे और उनके फ्रेंड भी थे वो. तो आंसर इज ए, पैट्रोन एंड फ्रेंड. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, हु कोलैबोरेटेड शेक्सपियर इन द राइटिंग ऑफ हेनरी एट्थ, हेनरी एट्थ में शेक्सपियर को किसने कोलैबोरेट किया था. सो उनको कोलैबोरेट किया था जॉन फ्लेचर ने. सो आंसर इज बी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट वाज द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ द प्ले हेनरी एट्थ. ठीक है, हेनरी एट्थ का टाइटल बताना है आपको बिफोर इट पब्लिकेशन इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623, यानी कि जो 1623 मतलब जो फोलियो है इनका फर्स्ट, उसमें पब्लिश होने से पहले इसका टाइटल क्या था इस प्ले का, तो इसका टाइटल था ऑल इज ट्रू. सो आंसर इज ए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस ऑफ डैश एट ए ग्लोब थिएटर इन 1613 अ कानन शॉट एम्प्लॉयड फॉर स्पेशल इफेक्ट्स इग्नाइटेड द थिएटर्स थैस्ड रूफ एंड द बीम्स बर्निंग द ओरिजिनल ग्लोब बिल्डिंग टू द ग्राउंड. ठीक है, तो यहाँ वही पूछ रहे हैं कि जो ग्लोब थिएटर है उसमें कैनन शॉट के द्वारा आग लग गई थी जब विलियम शेक्सपियर के किस प्ले का प्रीमियर चल रहा था, ये आपको बताना है. मतलब ओरिजिनल ग्लोब जो कि बाद में रीबिल्ट हुआ था, तो ये कौन सा प्ले था विलियम शेक्सपियर का, वो हेनरी एट्थ है, उसका प्रीमियर चल रहा था हेनरी एट्थ का, तभी इसमें आग लग गई थी. सो आंसर इज ए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल.
शेक्सपियर ने कौन से प्ले में रॉयल क्रिमिनल को प्रेजेंट किया है? किंग लियर, हेनरी फोर्थ, रिचर्ड थर्ड, हेनरी दी एट्थ। सो आंसर इज सी, रिचर्ड थर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। द कॉमेडी ऑफ एरर्स विलियम शेक्सपियर सॉट इज वन ऑफ हिज मोस्ट फार्सिकल कॉमेडीज इज बेस्ड ऑन। ठीक है, जो विलियम शेक्सपियर की ये प्ले है द कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये उनका सबसे छोटा प्ले है और एक फार्सिकल कॉमेडी इसको माना जाता है, जो कि किस पर बेस्ड है ये बताना है आपको। तो किस पर बेस्ड है ये बताना है आपको। तो यहाँ ऑप्शंस हैं, मिनेक्मी बाई प्लेटस, लाइफ्स बाई प्लूटार्क, पॉन्डस्टो बाई रॉबर्ट ग्रीन, द ज्यू ऑफ माल्टा बाई मार्लो। सो आंसर इज ए, ठीक है, मिनेक्मी बाई प्लेटस। ठीक है, मिनेक्मी बाई प्लेटस पर ये उनका जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का द कॉमेडी ऑफ एरर्स बेस्ड है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30। विच वन इज़ द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडीज। ठीक है, इनमें से विलियम शेक्सपियर की जो मेजर ट्रेजेडीज़ हैं उनका राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है ये बताना है आपको। सो यहाँ पर आंसर है आपका ए। जो विलियम शेक्सपियर की फोर ग्रेट ट्रेजेडी हैं वो हैं हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, जिन्हें हम HOKM के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले आया उनका हैमलेट 1601 में, ओथेलो आया 1604 में, एंड किंग लियर 1605 में, एंड मैकबेथ 1606 में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। शेक्सपियर्स ट्रेजिक प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। ठीक है, द स्पेनिश ट्रेजेडी बाई केट, डॉक्टर फॉस्टस बाई मार्लो, द कैंटरबरी टेल्स बाई चौसर, या फिर यूटोपिया बाई थॉमस मोर। सो आपका आंसर है ए, द स्पेनिश ट्रेजेडी बाई किड। ये जो इनका ट्रेजिक प्ले है हैमलेट, ये स्पेनिश ट्रेजेडी है जो किड के द्वारा, उससे ये इन्फ्लुएंस्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। विच वर्स इज मोस्टली यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज प्लेस। यानी कौन सी वर्स विलियम शेक्सपियर के द्वारा अपने प्ले में यूज़ की गई है। फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, हीरोइक कपलेट, या फिर वर्स लिब्रे। सो आंसर इज बी, ब्लैंक वर्स को मोस्टली विलियम शेक्सपियर के द्वारा यूज़ किया गया है उनके प्लेज में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। शेक्सपियर सोनेट आर इन द फॉर्म, किस फॉर्म में है इनकी सोनेट ये बताना है आपको। सो थ्री क्वार्टर एंड राइमिंग कपलेट। सो आंसर इज ए, ठीक है, उसमें थ्री क्वार्टर और एक राइमिंग कपलेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन। ठीक है, अर्ली प्लेज थे जो विलियम शेक्सपियर के, वो किस पीरियड में लिखे गए थे। तो इनके जो शुरुआती प्ले थे वो लिखे गए थे 1589 से लेके 1595 के बीच। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज नोन वर्क बिटवीन। इनके जो नोन वर्क हैं वो किस पीरियड के बीच में लिखे गए। सो 1589 से लेके 1613। सो आंसर इज सी, ए सॉरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। हिज अर्ली प्लेज वर प्राइमरली, जो उनके अर्ली प्लेज थे वो मतलब क्या थे मुख्य रूप से। तो इनके जो अर्ली प्लेस थे वो कॉमेडीज़ और हिस्ट्रीज थे। सबसे पहले इन्होंने कॉमेडीज़ और हिस्ट्रीज पर वर्क किया था। ठीक है, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। इन द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ शेक्सपियर रोट, उन्होंने अपने लास्ट लाइफ के लास्ट फेज में क्या लिखा था शेक्सपियर ने। ट्रेजी कॉमेडीज ऑल्सो नोन एज रोमांसेस। तो उन्होंने अपने लास्ट फेज में लिखा था ट्रेजी कॉमेडीज। ठीक है, ट्रेजी कॉमेडीज लिखी थी इन्होंने, जिसे रोमांस के नाम से भी जाना जाता है। सो ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, यहाँ ये लाइन्स दी गई हैं कहाँ से ली गई हैं आपको बताना है। ठीक है, तो लाइन्स हैं, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड इज टू ईच बाई नेचुरल पिटी। तो ये लाइंस ली गई हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम माई हार्ट लीप्स अप से। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39। द फॉलोइंग लाइंस आर टेकन फ्रॉम, ये भी लाइंस हैं, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड ए ह्यूमन डोर, द सॉलिटरी रीपर, डैफोडिल्स, टू लूसी, या फिर माइकल। सो आंसर इज सी, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम टू लूसी से ही जो लाइंस हैं ली गई हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40। दीज लाइंस आर टेकन फ्रॉम, ये भी लाइंस हैं, अवर वर्थ इज बट अ स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग, यानी कि जो हमारा बर्थ है वो क्या एक स्लीप है और एक फॉरगेटिंग की तरह है। द सोल दैट राइजेज विद अस, ये जो सोल हमारे साथ रहती है, अवर लाइफ स्टार, जो हमारी लाइफ का स्टार है, हैड हैथ
एल्स वेयर इट्स सेटिंग। तो इसकी जो सेटिंग है, मतलब जो सोल हमारी लाइफ का जो स्टार है हमारे साथ एग्जिस्ट करती है, उसकी सेटिंग कहीं और है, इस लाइन का मतलब है। तो ये लाइन ली गई है विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस कविता इमोर्टेलिटी ओड से। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 41, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ दीज लाइन्स अकर। ये जो लाइन्स हैं वर्ड्सवर्थ की, कौन सी कविता से ली गई हैं? वी आर लेड एज स्लीप इन बॉडी एंड बिकम ए लिविंग सोल। तो ये लाइन्स ली गई हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, बहुत फेमस पोएम है टिंटन एबी से ये लाइन्स ली गई हैं। सो आपका ए वाला सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है यहाँ क्वेश्चन नंबर 42, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ वॉज क्रिटिसाइज इन एडिनबर्ग रिव्यू विद इट्स इंसोलेंट दिस विल नेवर डू। विलियम वर्ड्सवर्थ का कौन सा वर्क एडिनबर्ग रिव्यू में क्रिटिसाइज किया गया था? यहाँ ऑप्शंस हैं दे रखे हैं 4, द एक्सक्यूरिसन, बॉर्डर्स, पीटरवेल, लूसी गे। सो आंसर इज ए, एक्सक्यूरिसन को क्रिटिसाइज किया गया था इस एडिनबर्ग रिव्यू में। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ क्वेश्चन नंबर 43, द थीम ऑफ पैराडाइज रीगेंड इज, पैराडाइज रीगेंड की थीम बतानी है क्या है? सो इसकी थीम है सैटर्न्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन विल्डरनेस। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन इन द वर्ड्स। मिल्टन को डिस्क्राइब किया गया है गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड एंड द माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज। सो टेनिसन डिस्क्राइब मिल्टन इन द वर्ड्स, टेनिसन ने इन्हें डिस्क्राइब किया है। ठीक है, सो आंसर इज ए, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, मिल्टन्स स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट इज कॉल्ड। मिल्टन की स्टाइल को क्या कहा जाता है पैराडाइज लॉस्ट में? ग्रैंड स्टाइल है ना, बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है 46, सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट इज कंपेयर टू। सैटर्न को पैराडाइज लॉस्ट में किससे कंपेयर किया गया है? मून के साथ, सन के साथ, पोलर स्टार या फिर लीवियाथन। सो इसको लीवियाथन के साथ कंपेयर किया गया है, सो आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, मिल्टन रोट हिज पेस्टरल एलेजी लिसिडस ऑन द डेथ ऑफ। ये उन्होंने अपनी जो पेस्टरल एलेजी लिखी है किसकी डेथ पर लिखी है? एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी है। ठीक है, इनके कॉलेज फ्रेंड। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, हु सैड लिसिडस इज द टच स्टोन ऑफ पोइटिक टेस्ट। लिसिडस को पोइटिक टेस्ट का टच स्टोन कहने वाले राइटर कौन हैं? टेनिसन, मैथ्यू आर्नोल्ड, ब्राउनिंग या फिर आई ए रिचर्ड। सो ये हैं टेनिसन। ठीक है, तो आपका जो ए वाला है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, शेक्सपियर्स विल गेव मोस्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू। शेक्सपियर ने अपनी जो ज़्यादातर प्रॉपर्टी है वो किसके नाम की थी? तो इन्होंने अपनी जो फर्स्ट डॉटर है यानी कि जो इनकी बड़ी बेटी थी सुसैना, उसको इन्होंने अपनी वसी, मतलब ज़्यादातर अपनी जो प्रॉपर्टी है वो उसी को दी थी। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, हाउ मेनी टाइम्स सुसाइड अटैम्प्ट सीन अकर इन शेक्सपियर्स प्लेस। शेक्सपियर के प्लेस में कितने सुसाइड अटैम्प्ट दिखाए, मतलब सुसाइड अटैम्प्ट सीन दिखाए गए हैं कितनी बार, है ना? तो ये आंसर है आपका ए वाला, 13 टाइम्स, यानी कि 13 बार सुसाइड अटैम्प्ट सीन दिखाए गए इनके प्लेस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, गार्सवर्दीज नॉवल्स आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ। सो आंसर इज सी, क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी। नेक्स्ट है यहाँ क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोवल रिटन बाई गार्सवर्दी। इनके द्वारा लिखा गया नोवल नहीं है, इनमें से कौन सा नोवल है जो मतलब गार्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखा है? द शो, अ साइलेंट वूइंग ऑफ ए वूमेन, पासर बाय, स्वान सॉन्ग। सो आंसर इज बी, अ साइलेंट वूइंग ऑफ ए वूमेन इज नॉट रिटन बाई गार्सवर्दी। ठीक है, बी वाला नहीं लिखा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम इज नॉट रिटन बाई गार्सवर्दी। इनमें से कौन सी कविता इनके द्वारा नहीं लिखी गई है? डिवोन टू मी, रसिया अमेरिका, इंग्लैंड टू फ्री मैन, ए ड्रीम गर्ल। सो आंसर इज जी, अ ड्रीम गर्ल इज नॉट रिटन बाई जॉन गार्सवर्दी, ड्रीम गर्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, द एक्शन ऑफ द फर्स्ट टू एक्ट ऑफ द सिल्वर बॉक्स टेक्स प्लेस ऑन। सो ईस्टर ट्यूसडे, ट्यूसडे को होते हैं ना, बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55,
who says justice is a commentary upon the prison administration of that period. स्टेटमेंट है ये, किसका स्टेटमेंट है? यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं फोर, ए सी वार्ड, जे सी पॉज, जेम्स सकलिंग, जेम्स यंग. सो आंसर इज ए सी वार्ड का स्टेटमेंट है, ठीक है. हु डिफेंड द फोर्जरी एक्ट ऑफ फाल्डर सेइंग इट वाज ऑल द वर्क ऑफ ए मोमेंट, द रेस्ट हैज़ फॉलोड एज डेथ फॉलोज स्टेप टू द हार्ट. ये स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया है इसमें, है ना? तो ये दिया गया है मिस्टर हेक्टर फ्रोम के द्वारा. सी आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57. म्यूट सीन एंड ट्रायल सीन अकर इन द प्ले. कौन से प्ले में है ये? जस्टिस, सिल्वर बॉक्स, स्टाई, विंडो. सो आंसर इज ए, जस्टिस में. जस्टिस में ये म्यूट सीन और ट्रायल सीन है, ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58. हु टेल्स हिज फेलो कन्विक्ट इन एस्केप. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58. हु टेल्स his fellow convict in escape that he want to escape from Dartmoor prison. है ना, कौन अपने fellow convict को escape में बताता है कि वो Dartmoor, मतलब जो जेल है ना, जेल उसका नाम है Dartmoor, वहाँ से वो escape करना चाहता है. तो ये मिस्टर मैट डिनेंट हैं, ठीक है. आंसर इज सी, मिस्टर मैट डिनेंट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59. वॉट हेल्प मैट सक्सीड इन गेटिंग फ्रॉम द लेडी इन द इन इन द प्ले एस्केप. ठीक है, एस्केप प्ले में जो लेडी है सराय की, वो उनको कैसे हेल्प करती है एस्केप करने में. तो वो जो लेडी है ना, वो उनको ऑप्शन है यहाँ पर. द लेडी गिव्स हिम सम ऑफ हर हस्बैंड ओल्ड क्लॉथ. उनको कुछ ओल्ड कपड़े देती है अपने हस्बैंड के. और क्या देती है वो? द लेडी गिव्स हिम फिशिंग गियर सो दैट ही विल नॉट लुक लाइक एन एस्केप्ड कन्विक्ट. एंड द सी है, द लेडी गिव्स हिम अ फ्लास्क ऑफ लिकर एंड लिटिल मनी, या फिर ऑल ऑफ द एबव. सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव. ठीक है, वो सारी चीज़ें वो उनको प्रोवाइड करती है मैट को. ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर अपीयर इन गर्ल्स वर्दी प्ले जॉय. इनमें से कौन सा करेक्टर गर्ल्स वर्दी के जॉय प्ले में अपीयर होता है? कर्नल होप, मिसिज होप, मिस बीच, या फिर ऑल ऑफ द एबव. सो आंसर इज जी, ऑल ऑफ द एबव. सभी के सभी ये करेक्टर हैं ये गर्ल्स वर्दी के प्ले जॉय में अपीयर होते हैं. सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.